कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है, आइए सुनते हैं आज की कहानियां क्या कहती हैं। आज की कहानियां हैं मध्य प्रदेश की लोक कथाएं, गरीबी। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपनी गरीबी से परेशान होकर राजा के यहाँ जाने को निकला। उसके पास भेंट में देने के लिए कुछ भी नहीं था, अतएव उसने कुछ गन्ने के टुकड़े गठरी में बांध लिए। रास्ते में रात हो गई तो वो एक धर्मशाला में सो गया। सहयोग की बात के एक चोर ने उसकी गठरी में से गन्ने के टुकड़े तो निकाल लिए और उनकी जगह लकड़ी के टुकड़े बांध दिए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण ने राज दरबार में पहुंचकर राजा को भेंट देने के लिए अपनी गठरी खोली तो लकड़ी के टुकड़े देखकर वो स्तब्ध रह गया। राजा ने भी परेशान होकर अपने मंत्री से पूछा कि क्या बात है। मंत्री ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि महाराज, अर्जुन ने खांडव वन को जला डाला, हनुमान ने सोने की लंका जला दी, महादेव ने मदन को जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन दरिद्रता को कोई नहीं जला सका। ये लकड़ी के टुकड़े उसी के प्रतीक हैं। सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ब्राह्मण को प्रचुर धन दिया। जब ब्राह्मण धन लेकर अपने घर लौटने लगा तो वो बार बार मंत्री की ओर देखता जाता था। राजा ने कहा, देखो वो तुम्हारी ओर कृतज्ञता से देख रहा है। मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, वो पीछे मुड़ मुड़ कर ये देख रहा है कि कहीं मेरी गरीबी तो वापस नहीं आ रही है। सुनते ही राजा ने उसे और भी धन देकर सम्मान सहित घर पहुंचा दिया। ऐसी ही एक और कहानी चंदन और पलाश। जंगल में एक चंदन का वृक्ष था, उसकी सुगंध से सारा जंगल सुगंधित रहता था, लेकिन उसे अपने आप से संतोष नहीं था। वो अपने रूखे सूखे स्वरूप और एकांकी जीवन से दुखी रहा करता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि किसी से मित्रता करनी चाहिए। नजदीक ही एक पलाश का वृक्ष खड़ा था। वो उससे बोला, पलाश भाई, मेरा मन जंगल में अकेले रहते रहते उब गया है, मेरी इच्छा तुमसे मित्रता करने की है। पलाश ने कहा, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है, मुझे मंजूर है। दोनों में मित्रता हो गई और दोनों साथ साथ रहने लगे। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में आया और घूमते घूमते थक कर पलाश की छाया में बैठ गया। पलाश ने पूछा, क्यों भाई, तुम इस तरह उदास से क्यों बैठे हो, तुम्हें कौन सा दुख है। लकड़हारा बोला, भाई मैं सूखी लकड़ियां बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। आज घूमते घूमते दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक एक भी सूखा पेड़ नहीं खोज पाया हूँ, इसी से चिंतित हूँ। पलाश ने कहा, इसमें चिंता की कौन सी बात है, देखो पास में ही एक चंदन का वृक्ष खड़ा है, इसे काटकर अपना काम चला लो। लकड़हारे ने वैसा ही किया। उसने तुरंत ही चंदन के वृक्ष से कुछ लकड़ियां काट ली, लेकिन अभी भी उसके चेहरे से चिंता की रेखाएं मिट नहीं पाई थी। चंदन अपने मित्र से इस विश्वासघात से बहुत ही दुखी हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मैंने पलाश के फूलों के ऊपरी सौंदर्य को तो देखा, लेकिन उसके मन की कालिक को नहीं, ये उसी का फल है, अब कुछ तो इसके लिए मुझे करना चाहिए। उसने तुरंत ही नजदीक खड़े लकड़हारे से पूछा, क्यों भाई, अब तो तुम्हें लकड़ियां मिल गई, फिर भी तुम चिंतित क्यों हो। वो बोला, लकड़ियां तो मिल गई, लेकिन मैं उन्हें बांधने की रस्सी घर पर ही भूल आया हूँ, इसी से चिंतित हूँ। चंदन ने कहा, बस इतनी सी बात, अरे ये जो पास में पलाश का वृक्ष खड़ा है, इसकी जड़ खोद लो, उनमें तुम्हें बढ़िया रस्सी मिल जाएगी। लकड़हारा प्रसन्न हो उठा और उसने पलाश के पेड़ की जड़ खोद कर फेंक दी और उसमें से पतली जड़ों से लकड़ियों को बांधकर अपने घर ले गया। कहते हैं उसी दिन से चंदन ने ये निश्चय कर लिया कि दुर्जन की दोस्ती करने से अकेले रहना अच्छा है, और तभी से वो जंगल में अकेला रहता आया है। ऐसी ही एक और कहानी संस्कार। विवाह के बाद बेटी पहली बार मायके आई तो बेटी का स्वागत सप्ताह भर चला। संपूर्ण सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वही सब किया गया। जब बेटी वापस ससुराल जाने लगी तब पिता ने बेटी को एक अगरबत्ती का पूड़ा दिया। माँ ने कहा कि बिटिया प्रथम बार मायके से ससुराल जा रही है, तो ऐसे कोई अगरबत्ती जैसी चीज कोई देता है भला। अब पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो भी सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू से पूछा कि माता पिता ने बेटी को विदाई में क्या दिया है। जब उन्हें अगरबत्ती का
पुड़ा भी दिखा तो सासू माँ ने बहू को कहा कि कल पूजा में ये अगरबत्ती लगा लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी तो उसने वो अगरबत्ती का पुड़ा खोला जिसमें से एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में लिखा था, बेटी ये अगरबत्ती स्वतः जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंध से भर देती है। इतना ही नहीं, यहां आजू बाजू के वातावरण को भी अपनी महक से प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से रूठ जाओ या कभी अपने सास ससुर जी अथवा देवर नरद से नाराज हो जाओ या कभी तुम्हें किसी से बातें सुननी पड़ जाए या फिर कभी पड़ोसियों से तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए, तब तुम मेरी ये भेंट का ध्यान करना। स्वयं अगरबत्ती की तरह जलना और पूरे घर को प्रफुल्लित रखना। तुम स्वतः सहन कर ससुराल को अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित करना। बेटी चिट्ठी पढ़कर फफक फफक कर रोने लगी। सासू मां लपक कर आई। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुंचे जहां बहू रो रही थी। अरे हाथ को चटका लग गया क्या? ऐसा पति ने पूछा। क्या हुआ ये तो बताओ, ससुर जी बोले। सासू मां आजू बाजू में देखने लगी तो उन्हें बहू के पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दे दी। चश्मा न पहने होने की वजह से उन्होंने चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। सासू मां बोली, अरे ये चिट्ठी फ्रेम करानी है। ये मेरी बहू को मायके से मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। इसे पूजा घर में ही होना चाहिए। यही संस्कार होते हैं। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां आपकी हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।